Yes, my dear students, so let us continue. We are revising the Indian Contract Act, lecture number 2. And yes, I will try to speak more in English so that I can help my students from South India. So last day, we just discussed about agreement plus enforceability. So let us continue. Agreement and contract के बीच के कुछ डिफरेंसेस को समझेंगे. अग्रीमेंट इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस. एवरी प्रॉमिस एक एक सामान ले लेना. बोल रहे हैं एक एक, वन वन, मतलब इस रूम में जितना भी सामान है एक एक सामान ले लेना. उसी प्रकार से एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस. एवरी प्रॉमिस, जब भी दो व्यक्ति आपस में अग्रीमेंट करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसने एक प्रॉमिस किया, इसने एक प्रॉमिस किया, जो भी प्रॉमिसेस आपस में किया, जो भी एक एक वादा को हम अकाउंट फॉर करेंगे. ठीक है, सो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. तुमने ये वादा किया, मैंने ये वादा किया, मैंने ये वादा किया, मैंने ये वादा किया. सो फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर मीन्स कि ये जो प्रोमिसेस हम एक दूसरे को दे रहे हैं, एक्सचेंज में दे रहे हैं. अच्छा, तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं भी ऐसा करने के लिए रेडी हूं. सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. बार बार मैं बोलना चाह रहा हूं, I would like to repeat, the offer should be drafted in such a way that the other party or the offeree should simply put his assent means say yes. So here we have completed the meaning of agreement. So now to understand what is a contract, it is simply the enforceability point. Agreement enforceable by law. Agreement, this is what agreement is, plus legal enforceability. Legal enforceability, somebody who is powerful, okay. So judiciary is powerful. Judiciary का बात हमें मानना है, हम उसे इज्जत देते हैं. और इज्जत इसलिए देते हैं कि भैया बात मत मानो, एक बार contempt of court करके तो देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई पावर क्या चीज होती है. सो पावर जो है आज के दिन में, लीगल एनफोर्सिबिलिटी मींस वी आर बाउइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ द जुडिशियरी. सो अग्रीमेंट, इट इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल अग्रीमेंट. कुछ समझाने का नहीं है. अग्रीमेंट मतलब सोशल भी हो सकता है. अग्रीमेंट मतलब वो अग्रीमेंट जिसपे हम एनफोर्सिबिलिटी कराना चाहते हैं. मगर अगर कॉन्ट्रैक्ट का बात करें, हम कॉन्ट्रैक्ट का बात करें, सो कॉन्ट्रैक्ट इज स्ट्रिक्टली विथ लीगल एनफोर्सिबिलिटी. इट इज स्ट्रिक्टली विथ लीगल एनफोर्सिबिलिटी. सो ओनली एनफोर्सिएबल अग्रीमेंट्स. लीगल ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ अग्रीमेंट. नाउ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अग्रीमेंट होते हैं क्या? ऑफ कोर्स होते हैं. ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अग्रीमेंट तो होते ही हैं. बट कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि अगर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी को हटा देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. सो लीगल ऑब्लिगेशन का अगर हम बात करें, सो अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, बट यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरली क्रिएट्स. सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. सो ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स. आई थिंक ये भी एकदम इजी है, इसमें कुछ ज्यादा इलेबोरेट करने का नहीं है. सो डियर फ्रेंड्स, वी हैव अंडरस्टूड अग्रीमेंट, we have understood contract. Now a step forward, essentials
ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो अभी तक हमने जो समझा है वो ये समझा है कि अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, ये दो पॉइंट हमने समझ लिया। बट देर आर अदर एसेंशियल्स, ठीक है। सो एक एक करके आराम से। सो सेक्शन 10 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, देर हैज टू बी एन अग्रीमेंट। ऑफ कोर्स देर हैज टू बी एन अग्रीमेंट। नाउ दिस अग्रीमेंट हैज टू बी बिटवीन टू पार्टीज, वेरी इजी, टू पार्टीज। यू कैन नॉट अग्री विथ योर ओन सेल्फ, ठीक है। खुद ही आईना में देखो और आईना में देखकर खुद ही अपने आप को वादा करो, तो खुद ही अपने आप से ही कॉन्ट्रैक्ट बना लो जी। मैं अपने आप को वादा करता हूँ कि मैं डेली 12 घंटा पढ़ूंगा, आई विल क्लियर द सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन विद रैंक, आई प्रॉमिस दिस टू माई सेल्फ। विल दिस कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट? यू आर प्रॉमिसिंग समथिंग टू योर सेल्फ, ठीक है। सो ऐसा नहीं है जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं होगा। आपने अपने आप को कुछ वादा किया, निभा रहे हो, अच्छी बात है। न्यू ईयर में हम वादा करते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। सो ये तो हो गया जी, अग्रीमेंट होना ज़रूरी है, दो पार्टी होना ज़रूरी है। फ्री कॉन्सेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्री कॉन्सेंट, देखो हमने क्या कहा था कि प्रपोजल होता है उसको यस सुनना है। प्रपोजल को इस प्रकार से ड्राफ्ट करना है, ऑफर को इस प्रकार से ड्राफ्ट करना है कि सामने वाला यस बोले, यस, ठीक है। अब ये यस जो है ये एकदम फ्री यस होना चाहिए। अगर ये फ्री यस नहीं है, फ्री यस मतलब ये नहीं बिना पैसा का यस नहीं, फ्री विल, ठीक है। सो द यस हैज टू बी मेड आउट ऑफ फ्री विल। विल मींस विलिंगनेस। Of course, I am willing to accept the offer out of my free will. Then absolutely fine. But if somebody forces you to say yes, एक 25 करोड़ का फार्म हाउस है मेरा, आज के वैल्यू पे 25 करोड़ रुपया है, but the local goons, they came, they kidnapped my daughter, they told me कि if you do not sell this farmhouse for 5 crore rupees, we are going to kill your daughter. So, 25 करोड़ का फार्म हाउस जी मैंने 5 करोड़ में बेच दिया, यस कर दिया। उनका ऑफर था 5 करोड़ में बेचने का, मैंने यस कर दिया जी, साइन कर दिया, प्रॉपर्टी बेच दिया, अग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया जी, चला गया मेरा घर से, मेरे हाथ से वो फार्म हाउस चला गया। अब पॉइंट ये है कि जब मैंने जो यस बोला, क्या वो यस फ्री कॉन्सेंट था, फ्री यस था, क्या विलिंग था? नहीं 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 नहीं, मगर फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। सामने वाले ने मेरा 25 करोड़ का फार्म हाउस 5 करोड़ में खरीद लिया, मैंने अग्रीमेंट पे साइन किया। तो सर बट ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तो सर फ्री यस होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आपका यस फ्री नहीं था, ये बात आप आज कह रहे हैं सर। आपको नहीं लगता सर ये बात आपको पहले कहनी चाहिए थी? हाँ कहनी तो चाहिए थी, मेरे को पुलिस के पास जाना चाहिए था। बट अगर मैं पुलिस के पास जाता तो बेटी खलास, तो मैं 20 करोड़ रुपया जाने दिया मैंने, बट मैंने रिस्क नहीं लिया। सो दोस्तों ऐसा जब सिचुएशन आता है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर फ्री कॉन्सेंट नहीं है तो मैं अग्रीव पार्टी हूं। सो ये मेरे ऊपर है कि क्या मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज करूं। कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज करने का मतलब क्या है कि जा ये प्रॉपर्टी तेरे को नहीं दूंगा मैं जज को जाके, जा जज को बोल दे, तो मैं भी बोल दूंगा तुमने मेरी बेटी को किडनैप करके मेरे से यस कहा था। बट ये तो दिख रहा ना कि मामला वहां तक पहुंचेगा नहीं, दे विल सेंड द डेड बॉडी ऑफ माई डॉटर। सो प्लीज समझिएगा,
फ्री कॉन्सेंट अगर नहीं है, सो आई हैव टू चैलेंज दैट कॉन्ट्रैक्ट. आई हैव टू चैलेंज. इफ आई हैव द गट्स टू चैलेंज, इफ आई हैव द गट्स टू चैलेंज, देन आई कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. आई कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. आई हैव द पावर टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. सो आई हैव द एबिलिटी. आई हैव द एबिलिटी. आई हैव द एबिलिटी. सो वॉइड एबल. एबल वॉइड एबल. आई हैव द एबिलिटी. ओनली आई हैव द एबिलिटी. जिसने प्रेशर क्रिएट करके मेरे से यस करवाया, वो तो चाहेगा कि 25 करोड़ का प्रॉपर्टी 5 करोड़ में मिल जाए. वो तो चाहेगा. बट क्या मेरे अंदर वो दम है कि मैं इस चैलेंज कर सकूं इसे? सो वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट्स. वॉइड एबल जो आप देखोगे उसमें एबिलिटी है अग्रीव्ड पार्टी के पास. सो फ्री कॉन्सेंट कब कब ऐसा होता है जब फ्री कॉन्सेंट नहीं हुआ जी? फ्री कॉन्सेंट कब कब होता है जब नहीं होता, ये बताइए. अगर कोअर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, ठीक है, ये सब सिचुएशन पे अगर कॉन्सेंट आया है, कॉन्सेंट मतलब यस आया है. देखो दोस्त, प्लीज समझिए, ऑफर इस प्रकार से देना है कि सामने वाले को तो सिर्फ यस बोलना है. सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ यस बोलना है. सो हाउ डज अ कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस? देयर इज एन ऑफर एंड द ऑफर इज ड्राफ्टेड इन सच अ वे दैट द ऑफरी सिंपली हैज टू पुट इन अ यस. सो दिस यस, इज इट फ्री और इट इज नॉट फ्री? सो इफ दिस यस इज made out of free will, then it is absolutely yes. If it is yes but under coercion, under fraud, under undue influence, under a mistake, theek hai, so this is not a free yes. If it is not a free yes, who has the power to cancel the contract? Who has the power? Jisne yes मजबूरी में कहा, दबाव में कहा, प्रेशर में कहा, ठीक है, उसी के पास पावर है. बट क्या उसके पास इतना ताकत है? क्या उसके पास ऐसा एबिलिटी है उस समय कि वो चैलेंज कर सके? क्या उसका सर्कमस्टेंस उसको अलाउ कर रहा है चैलेंज करने का? अगर उसमें दम है तो कर दे भाई, कोर्ट तुम्हारे साथ है. बट कोर्ट तक पहुंचने का हिम्मत है क्या? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. तो घूम फिर के दुनिया में पावर जो है, पावर देखो, यहां पर कोर्ट, नियम, कानून सब धरे के धरे रह गए. गुंडागर्दी जिंदाबाद. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, देखो लॉ, किताबी लॉ को हम पढ़ रहे हैं बट दुनियादारी को भी साथ में समझते हुए चलो. जो लोग हिंदी मूवी में देखते हैं कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म करने की चेष्टा की ठाकुर, तो तू समझदार है? तो तू समझदार है या नहीं? हाँ भैया मैं समझदार हूँ, पुलिस के पास नहीं जाऊँगा. सो अग्रीमेंट हम समझ चुके हैं, फ्री कॉन्सेंट हम समझ चुके हैं. अब ये अग्रीमेंट कौन बनाएगा? कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज. क्या एक माइनर के साथ अग्रीमेंट बना ले 18 साल के नीचे? क्या एक जो प्रिजनर है उसके साथ अग्रीमेंट बना ले? क्या मैं कोई फॉरेन एम्बेसडर जो इंडिया में है उसके साथ अग्रीमेंट बना सकता हूं? किसके साथ अग्रीमेंट बना रहा हूं? सो कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, जिसके साथ अग्रीमेंट बना रहा हूं, क्या अग्रीमेंट करने का पावर है उसके पास? कॉन्ट्रैक्ट बनाने का पावर है उसके पास? सो ये भी चेक करना जरूरी है. यस तो कह दिया उसने, यस तो कह दिया, बट क्या यस कहने का भी पावर है क्या? जैसे घर पे बेटे ने यस कह दिया तो अरे भाई तेरी औकात है क्या अभी डिसीजन लेने की? चुपचाप कोने में बैठ, तेरा बाप जिंदा है भी, ठीक है. सो क्या औकात है? कॉम्पिटेंट हो तुम? सो यहां तक तो बात चलो ठीक है. बार बार हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में फॉर म्यूचुअल कंसिडरेशन, म्यूचुअल कंसिडरेशन. अब यहां पर हम देख रहे हैं लॉफुल कंसिडरेशन. सो ऑफकोर्स कंसिडरेशन जो है म्यूचुअल तो रहेगा ही,
तू मेरे को कुछ दे, मैं तेरे को कुछ दू। बट जो देना लेना कर रहे हैं वो देश के कानून के हक में होकर कर रहे हैं, या एक दूसरे को चलो AK-47 राइफल दे देंगे। सो एनीथिंग विच इज नॉट लॉफुल कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड। आई थिंक दिस इज क्लियर। लीगल ऑब्जेक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम जो बना रहे हैं एक दूसरे को, वादा करेंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम मेरे लिए ये करोगे, तो क्या करना है? किसी का खून करना है, किसी का रेप करना है, किसी का डकैती करना है, बैंक लूटना है, क्या करना क्या है? या सिंपल, मैं जी शर्ट बनाता हूँ, मैं आपको शर्ट बेचना चाहता हूँ। मैं जी लेक्चर्स बनाता हूँ, मैं लेक्चर बेचना चाहता हूँ जी, और कुछ नहीं जी। जी मैं लाइट्स मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैं जी वही बेचना चाहता हूँ, परफेक्ट जी। मैं कुर्सी बनाता हूँ जी, मैं कुर्सी बेच, मैं सोफा मिस्त्री हूँ जी, मैं सोफा का काम करना चाहता हूँ जी। मैं शार्प शूटर हूँ जी, आप जिसको बोलोगे आपके कोई भी दुश्मनों से उड़ा दूंगा जी मैं। तो अपने को क्लासीफाई करना होगा कि ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का, ऑब्जेक्ट मतलब गोल, वो क्या है? इज द गोल लॉफुल? सेलिंग फर्नीचर इज अ लॉफुल गोल, नो प्रॉब्लम। सेलिंग अ मिठाई और अ समोसा और अ जलेबी और अ कचोरी इज ऑफ कोर्स, ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सेलिंग ऑफ द मिठाई, दैट्स फाइन। आई एम जस्ट सेलिंग मिठाई ओनली, ब्राउन शुगर, दैट इज शुगर स्वीट ना। ओ ब्राउन शुगर, यस गिव मी 2 किलो ब्राउन शुगर, ओके गिव मी 2 करोड़ रुपीज। Oh my God, this sugar very costly. Oh yes, this is very costly sugar, brown sugar. Okay, but this brown sugar selling is not allowed in the country. Come on, it is drugs. Oh, so the object is illegal. So if the object is illegal, the contract is also illegal. अब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो उसके साथ जितने भी आगे पीछे के जो कॉन्ट्रैक्ट है जी, वो भी इलीगल हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एज पर सेक्शन 24-30 and 56। अब यहां पर सेक्शन 24-30 में एकदम एक्सक्लूसिवली लॉ इज ट्राइंग टू हेल्प यू। लॉ इज ट्राइंग टू प्रॉम्प्ट कि मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो भैया मैं बता दे रहा हूं तुम्हें कि ये सब अग्रीमेंट अगर करोगे तो ये अग्रीमेंट वॉइड है, कैंसिल हो जाएगा। कौन से अग्रीमेंट? मैं अभी आपको ले चलता हूं जी। सो अगर आप अग्रीमेंट बना रहे हो, अग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। आपस में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। हाँ, एक सिचुएशन ऐसा है कि आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, ठीक है, गिफ्ट देना चाहते हो, उस सिचुएशन में इट हैज टू बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। ठीक है, किसी को पास्ट में कुछ किया आप, किसी ने आपको नदी में आप डूब रहे थे बचा लिया, जिस समय बचाया कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि चलो मैं तुम्हारे जान बचाऊंगा, तुम मेरे को 1 लाख दोगे तो मैं नदी में कूदू, नहीं, आउट ऑफ इंसानियत यू सेव समवनस लाइफ। बट आफ्टर यू सेव द लाइफ, अरे वो पता चला है तो सेठ धनी चंद, सेठ धनी चंद को तूने बचाया, धनी चंद तुम्हें 1 लाख रुपया इनाम देना चाहता है। ठीक है, सो कॉम्पेंसेट और समथिंग डन और अ प्रोमिस टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन। सो ये सब कुछ भी अगर ऐसा प्रोमिस हो तो ये राइटिंग एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। हम इसे डिस्कस करेंगे आगे चल के। और अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी का शादी रुकवाने का अग्रीमेंट, किसी का बिजनेस नहीं करने देने का अग्रीमेंट, ठीक है, ये सब लॉ मेकर बता रहा कि ऐसा अग्रीमेंट करना मत भैया, ये कैंसिल है, मानेंगे नहीं, दीज आर नॉट अलाउड। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अदालत की कार्रवाई पे आप बाहरी बार को सेटलमेंट करना चाहते हो, चोर ने चोरी की, अदालत में मुकदमा चल रहा है, चोर के साथ सेटिंग कर ले रहे हो कि अरे भाई चोर, तूने मेरा 2 लाख का सामान चुराया, चल एक काम कर, मेरे को 2,50,000 रुपया दे दे, तेरे खिलाफ मुकदमा नहीं करूँगा।
चोर के साथ भी आप चोरी करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी हो रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है सर? आपको तो फायदा हो रहा है, मत करिए कोर्ट, कोर्ट केस मत करिए। अरे भाई अपना फायदा देखोगे, बट व्हाट अबाउट द सोसाइटी एट लार्ज? यू हैव पार्डन्ड द थीफ, यू आर नॉट इंस्टीट्यूटिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। द थीफ विल बी आउट इन द रैम्पेंट ओपन, ओके? सो द थीफ विल बर्गल समवन एल्सेस हाउस एंड यू डोंट माइंड दैट। मतलब अपना तो माल मिल गया ना, किसी और का घर पे डाका डाले डाले, गलत। सो अग्रीमेंट्स वॉइड फॉर सर्टेनिटी, अग्रीमेंट्स बाय वेजर इज वॉइड। सो ये सब कुछ लिखा हुआ है जी पहले से, कि ऐसा अग्रीमेंट मत करना जी। दीज आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। सो सेक्शन 24-30। और समझने के लिए दो पार्टी होना ज़रूरी है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। लीगल फॉर्मेलिटी ज़रूरी है, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर आपको पूरा बकायदा रजिस्टर लिखना होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर आप कर रहे हो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हो, सो ऑल द फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी कम्प्लीटेड। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्त, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के समय अगर मीनिंग सर्टेन नहीं है, लेट्स से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ये, ओके आई विल गिव यू रीजनेबल शेयर ऑफ प्रॉफिट, द वर्ड इज रीजनेबल शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है? तो अब कैसे कोर्ट भैया रीजनेबल क्या है? तुम बोलेगा भैया 40% रीजनेबल है, मैं बोलूंगा जी 4% रीजनेबल है, तो 4 और 40 के बीच में अदालत भी आपका मदद कैसे करेगा दोस्त? ओके, आई विल मेक यू माई पार्टनर इन द फर्म वंस द टीवी सीरियल विच वी आर ज्वाइंटली प्रोड्यूसिंग बिकम्स अ सुपर हिट, बिकम्स अ सुपर हिट। अब सुपर हिट जो है ये कैसे पता करेगा कि सुपर हिट कब होगा जी? देखो 10 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो सुपर हिट हो गया। अरे भैया 10 करोड़ कोई सुपर हिट होता है? सो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो मीनिंग टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एकदम सर्टेन होना चाहिए। अगर एम्बिगुअस है, डाउटफुल है, तो आप कोर्ट में जाके कोर्ट का समय खराब नहीं कर सकते हो। कोर्ट विल नॉट डिसाइड ओके एज पर मी दिस सीरियल इज सुपर हिट, तो कोर्ट एज पर यू नहीं चलेगा जी। भाई आप लोग दोनों का तो मीनिंग क्लियर नहीं था, तो क्योंकि आप लोगों के बीच में क्लैरिटी नहीं था, तो मैं कोर्ट हूं ना, मैं जज हूं, मैं क्लियर कर देता हूं। नो 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 नो, जज साहब आप भले आपको क्लियर नहीं करना है, मीनिंग सर्टेन नहीं था तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, झमेला खत्म। कोर्ट अपना बात नहीं रखेगा, वरना कोर्ट के ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि जज साहब कितना रुपया रिश्वत लिए हैं पटवारी जी से, तो कोर्ट अपने दामन में दाग नहीं लगवाएगा दोस्त। कोर्ट पहले ही बोलेगा आप लोगों के बीच का बात था एंड दिस इज नॉट क्लियर, द मीनिंग इज नॉट सर्टेन, सो दिस इज अ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म। सो भैया मेरे पास आकर क्या कर रहे हो? मैं जज हूं बट आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैजिक से आप लोहा को सोना बना दोगे, अब आप चाहते हो कि मैं इसे बोलूं अरे बना, मेरे बोलने से क्या बन जाएगा? ये परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी है ही नहीं जी। अगेन यू आर वेस्टिंग माय टाइम माय फेलोज, गेट लास्ट इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, डोंट वेस्ट माय टाइम, बाहर जाओ, भाग जाओ, बाहर जाओ और भाग जाओ। सो मेरे ख्याल से ये यहां तक मामला एकदम क्लियर है, सिंपल है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का कुछ है नहीं, बहुत इजी है, आराम से शांति से समझोगे तो कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड समझ में नहीं आ रहा है, बहुत इजी है। सो आगे देखते हैं, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? व्हेन दे आर मेड बाय द फ्री कॉन्सेंट, समझ चुके हो आप। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी आप समझ चुके हो, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ये भी आप समझ चुके हो। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी आप समझ चुके हो। और जो सेक्शन 24-30 एंड 56 में जो डिक्लेयर किया हुआ है,
कि भैया ये काम करना ही मत, ये ऐसा अग्रीमेंट बनाना ही मत, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये सब तो भैया बनाना ही मत, ठीक है, नहीं बनाएंगे जी। तो ये सब अगर ऐसा सब कुछ है तो जी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ओवरऑल कुछ कुछ समझ में तो डेफिनेटली आ रहा है, बिकॉज ये रिविजन लेक्चर है, बट इसको भी मैं काफ़ी डिटेल में लेकर चल रहा हूँ कि जो बच्चा 85% एंड अबव लेकर आया है वो डायरेक्ट मेरे साथ यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं जी। या आई एम ट्राइंग टू यूज़ इंग्लिश, मैं बीच बीच में भूल जा रहा हूँ, बट येस माई डियर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी ध्यान में रखते हुए मेरे को पढ़ाना है। सो आई गेस कि यहाँ तक थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्लियर, सो दीज पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, फ्री कॉन्सेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, टू पार्टीज आर इंपॉर्टेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट्स ऑफ लीगल फॉर्मैलिटी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन वी रेड दिस, आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड, नाउ वी आर इन पोजिशन टू मूव लिटल फॉरवर्ड। सो सेम पॉइंट से दोस्तों थोड़ा सा और इन डेप्थ स्टडी है। टू पार्टीज आर इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, जी दो पार्टीज का दरकार है, ठीक है। अब नाउ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी मेड बाई नेचुरल पर्सन्स, मे बी मेड बाई नेचुरल पर्सन एंड बाई अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस। सो नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन, आप और हम जो ह्यूमन पर्सन है, मम्मी के पेट से आए हैं, वी आर नेचुरल पर्सन, ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमन। बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में मम्मी के पेट से नहीं आते हैं, कानूनन उन्हें जन्म दिया जाता है, उसे हम कहते हैं लीगल पर्सन। सो कंपनीज जो है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है, ये लीगल ज्यूरिस्टिक पर्सन बोलते हैं हम लोग, लीगल ज्यूरिस्टिक पर्सन। सो ये ज़रूरी है जी। सो दो व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति इंसान नॉर्मल माँ के पेट वाला और दूसरा एक कंपनी, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, दो पार्टीज़, मतलब ये दो पार्टीज़ हो गए, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ये अब आप सेल्फ रीड करोगे, ये एक केस था जी, गुजरात वाला जो केस था, इसमें पार्टनर्स का कुछ प्रॉपर्टी डिवाइड हो रहा था, तो मतलब भाई खुद का माल डिवाइड कर रहे हैं जी, तो इसमें बायर सेलर कहाँ है, खुद ही का तो चीज़ है, अपना ही सामान घर पे लेके जा रहे हैं, तो आप बोलते हो जी दो अलग अलग पार्टी है, ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। सो ये आप पढ़ लेना। ओके, लीगल रिलेशनशिप इंटेंशन होना ज़रूरी है, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ का केस है, पॉइंट नंबर टू ये वाला, तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर एग्जांपल, जैसे सोशल अग्रीमेंट होता है जी, कोई लीगल इंटेंशन क्रिएट करना नहीं था जी, और अगर हो ही नहीं सकता जी, हस्बैंड वाइफ, जज साहब भी बोलेगा जी हस्बैंड वाइफ जिंदाबाद, प्रणाम जी, नमस्कार जी, हस्बैंड वाइफ के बीच का झगड़ा जी कोई नहीं बात नहीं जी, कोई नहीं बात नहीं, आई अंडरस्टैंड एंड आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, गेट लॉस्ट। सो लेखपाल साहब 5 लाख रुपया देने का वादा करते हैं अगर बेटा सीए एग्जाम पास कर ले, तो बेटा बोलता पापा दो ना दो ना दो ना, पापा बोलते नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, बच्चा कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल 7 जो है, यहाँ पर गुड्स का लेन देन का बात होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, 30 डेज का बात होता है, अब अगर भैया फेल कर जाते हो तो हम आपको कोर्ट तक ले जा सकते हैं, सो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ का बात हो रहा है जी, फॉर्मेलिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट, बट ध्यान दीजिए बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जी रिटन एंड स्पोकन दोनों हो सकता है, तो स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ पहले। सो आपको पता होगा कि दीज कॉन्ट्रैक्ट्स दे कम फ्रॉम द इंग्लिश लॉ, सो इंग्लैंड ये सब में भी सेम कॉन्ट्रैक्ट था, इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, सो ब्रिटिशर्स का ही कॉन्ट्रैक्ट जो ड्राफ्ट किया तो वो यहाँ पर चालू हो गया।
सो ओरल एंड रिटर्न का बात कर रहे हैं, ओरल। अब समझ लो फिल्म इंडस्ट्री, एक बहुत सुंदर सी हीरोइन एक्ट्रेस, उसे बोला गया कि दी मैडम आप वादा करिए ये मैं जो नेक्स्ट फिल्म बनाऊंगा ना आप ही जी उसमें हीरोइन का काम करेंगे, और मैडम ने भी कहा हाँ हाँ मैं करूँगी ना, क्यों नहीं करूँगी। ओरल वर्बल सब बातें चल रही है। बाद में मैडम ने कोई रीज़न से, मैडम के पास टाइम नहीं था, मैडम ने काम नहीं किया, फेमस हीरोइन मैडम ने काम नहीं किया, वो फिल्म प्रोड्यूसर ने मैडम के ऊपर केस कर दिया कि मैडम आपने वादा तोड़ा, आपने कहा था आप मेरे फिल्म में हीरोइन का काम करोगे और आपने काम नहीं किया, मैंने 20 करोड़ रुपया जी खो दिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो कोर्ट ने कहा अरे मैडम आपने तो ब्रीच कर दिया, आप तो वादा किए थे, एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, अब आप हीरोइन नहीं बने, इनका नुकसान हो गया, दीजिए इनको 20 करोड़ रुपया। कहीं रिटर्न नहीं था, कुछ नहीं था, सब ओरल था। और कोर्ट तक मामला गया और कोर्ट ने ये बताया कि जी आप कॉम्पेंसेशन दीजिए। ठीक है, अब ये कैसे हुआ मुमकिन, प्रूफ किया गया, विटनेस थे कि देखो जब आपने, मैंने जब मैडम से कहा था आप थे ना वहां पर, हाँ हाँ जज साहब मैं था। जो भी है कोर्ट में प्रूफ करने का काम अलग होता है, हम तो अभी लॉ पढ़ा रहे हैं आपको कि नियम कानून क्या है। अब नियम कानून को प्रूफ करना अदालत में वो एक अलग चैप्टर है, अलग प्रोसेस है पूरा। सो कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटर्न भी है तो कॉन्ट्रैक्ट है, बट अगर ओरली भी आपने वादा कर दिया तो अब ये नहीं हुआ ओरल था यार क्या फर्क पड़ता है, नहीं जी ऐसा मत सोचिएगा। सो एज टू लीगल इफेक्ट्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ। सो लीगल इफेक्ट ध्यान दीजिए, लीगल इफेक्ट में कोई फर्क नहीं है जी। तो मैंने आपको एक कहानी भी सुना दी जहां मैडम हीरोइन को बड़ा लंबा पैसा देना पड़ा। सोचो अगर हीरोइन बन जाती, फिल्म बना लेती तो पैसा मिलता। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन, लिख लो तो बेटर है। अब एक सिचुएशन बताओ कि यहां ओरल कॉन्ट्रैक्ट रिटन नहीं है और कुछ पोर्शन ओरल कुछ पोर्शन रिटन, कुछ पोर्शन ओरल कुछ पोर्शन रिटन। उस सिचुएशन पे जज जो है वो ओरल को इग्नोर करेगा, बोला जब लिखना ही था तो भैया फिर तो मैं लिखा हुआ को मानूंगा। ठीक है, सो अगर लिख लेते हो तो फिर ओरल को आप हटा सकते हो, बट लिखा ही नहीं तो ओरल है, विटनेस है, प्रूफ है, हमने प्रमाण कर दिया तो हो गया जी। अब बताया जा रहा है इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड विथ टू मेक द अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल। अब कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं इन केस ऑफ सर्टेन, सर्टेन मतलब कुछ कुछ, कुछ कुछ मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां बता दिया गया वो फिल्म वाला कॉन्ट्रैक्ट तो ओरल एक्सेप्टेड था बट इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट ओरली एक्सेप्टेड नहीं है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड वैंड कुछ बेच रहे हो तो वो भी रिटन होना चाहिए, वर्बल नहीं चलेगा। सो अब दोस्तों ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर में आ रहे हैं? नहीं जी, नहीं जी। ठीक है, बट हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स के साथ साथ हमें जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट उसके साथ ज्वाइन करके पढ़ना होगा, मिलाकर पढ़ना होगा। ठीक है, इंश्योरेंस का बात करते हैं तो इंश्योरेंस का जो एक्ट है उसके साथ मर्ज करके पढ़ना होगा। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि अगर ए बोलता है कि जी मैं आपको बहुत सारे ऑयल बेचूंगा, टन्स, 100 टन्स ऑफ ऑयल, अब ये समझ में नहीं आ रहा जी कौन सा तेल का बात कर रहे हैं। बट अगर कहीं पता हो कि भाई ये ए जो है वो तो कोकोनट ऑयल का डीलर है, सबको पता है, तो क्लियर है भाई मैं तो और कोई तेल बेचता ही नहीं हूँ भाई। इनडेफिनेट पीरियड जो है, जैसे लीज का कुछ इनडेफिनेट पीरियड है तो ये भी अनसर्टेन है जी। इनडेफिनेट का क्या मतलब है? इम्पॉसिबल अगर है अग्रीमेंट तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप तो इसको परफॉर्म करा ही नहीं पाओगे। सो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम वापस से एक बार जस्ट देख लें, सो इंटेंशन से पहले मेरे ख्याल से चलो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यहाँ से चालू करते हैं,
नंबर वन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सो ऑफर होना चाहिए और ऑफर इस प्रकार से ड्राफ्ट होना चाहिए कि सामने वाले को सिर्फ यस बोलना है, मतलब सिर्फ एक्सेप्ट करना है, सारा काम हमने कर दिया जी, अब आपको सिर्फ यस करना है। और यस इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप का। कंसिडरेशन ज़रूरी है, म्यूचुअल कंसिडरेशन, ठीक है, म्यूचुअल कंसिडरेशन। इस पर बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी कहानी है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जहाँ पर एक चाचा जान अपने भतीजे के व्यवहार को लेकर बड़ा चिंतित रहता है। भतीजा 15 साल का है, चाचा बोलता है अगर तुम 21 साल की उम्र तक दारू को हाथ नहीं लगाओगे, सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है, दारू और सिगरेट एकदम भी नहीं, हाथ तक नहीं लगाना तुम्हें, तुम 15 साल के हो तो तुम्हारे 21वें बर्थडे में मैं तुम्हें 21 करोड़ रुपए दूंगा, 21 करोड़, ठीक है। अब चाचा जान जो है वो बच्चा 21 साल का होने वाला है, बट चाचा जान बीमार थे और चाचा जान टपक गए, चाचा जान नहीं रहे। बच्चा बोलता कि जी अब मैं 21 साल तक दारू को हाथ नहीं लगाया, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, मेरे को चाचा जान ने 21 करोड़ का वादा किया था, तो उनके एस्टेट से मेरे को 21 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। जो एस्टेट मैनेजर थे वो बोला ना 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 ना, ना किस बात का भाई, किस बात का, किस बात का तुम्हें 21 करोड़ रुपया दिया जाए, कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन क्या है। अरे चाचा तो तुम्हें बोले दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, तो भाई तेरा तो भला हो गया, तू इंसान बन गया, लायक इंसान बना दिए चाचा जान ने तुम्हें, 21 करोड़ रुपया भी चाहिए। तो जज ने कहा देखो भैया कंसिडरेशन जो है एक राइट होता है भाई, बच्चे के पास एक राइट था, वो सिगरेट पी सकता था, उसने अपना राइट को छोड़ा, राइट छोड़ना मतलब उसका राइट छोड़ने का एक लॉस हुआ, डेट्रीमेंट हुआ। तो राइट छोड़ देना अपने आप में ही कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो सोचा गया कि नहीं कंसिडरेशन आपके तरफ से तो कुछ नहीं मिला, तो कंसिडरेशन को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर मेरा कोई अधिकार था जिसको मैंने छोड़ दिया, अरे बट सिगरेट पीने से अल्कोहल पीने से तो नुकसान होता, नफा नुकसान का बात नहीं हो रहा है, मेरा जो अधिकार था, अधिकार राइट, राइट टू डू समथिंग एंड आई डिड नॉट एक्सरसाइज दैट राइट। सो कंसिडरेशन जब हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन में डेट्रीमेंट या लॉस होना जरूरी है। सो एक अधिकार जो मेरा है उसको मैं छोड़ रहा हूं तो मेरा डेट्रीमेंट एंड लॉस है, तो उसे कंसिडरेशन का हिस्सा मना लेंगे हम। सो कंसिडरेशन इज सो 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 वेरी इंपॉर्टेंट, और भी डिटेल्ड में हम चर्चा करेंगे, हम करते रहेंगे, हम चर्चा इस तरह करेंगे कि आपको धीरे 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 पूरा क्लियर हो जाए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज तो हम समझ चुके हैं, लीगल फॉर्मेलिटी समझ चुके हैं, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड भी समझ चुके हैं, परफॉर्मेंस पॉसिबल होना चाहिए समझ चुके हैं, मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, कॉन्सेंट फ्री होना चाहिए। सो मेरे ख्याल से एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एकदम क्लियर है, कहीं पर भी दिमाग में कोई प्रेशर होना नहीं चाहिए। अभी फ्री कॉन्सेंट पे आ जाइए आप, फ्री कॉन्सेंट पे बताया जा रहा है कि दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ये जरूरी है। दो व्यक्ति के बीच में जब अग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्सेंट जब आप यस बोलोगे तो बेसिकली आपको यस बोलना है, बट आप सही समझ रहे हो ना। मैंने अमिताभ बच्चन कहा तो मैं, अमिताभ बच्चन स्कूल फ्रेंड है मेरा, नॉट द बिग बच्चन द एक्टर, बट आप द बिग बी समझ लिए तो नहीं नहीं देन वी आर नॉट अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सो इसे आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स कहते हैं, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स ये जरूरी है जी। कंसेंसस एड आइडम भी कहते हैं, और अगर कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के कारण कुछ हो रहा है तो कॉन्सेंट को फ्री नहीं माना जाएगा। अगर कॉन्सेंट फ्री नहीं है तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी के पास एबिलिटी है, पावर है टू कैंसिल, मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, और इसे हम वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइड एबल, वॉइड एबल, तेरे पास एबिलिटी है, तू इसे
वॉइड मतलब कैंसिल करा सकता है। कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ये सब के बारे में चर्चा आगे हम करेंगे, ठीक है जी। कैपेसिटी के बारे में अगर हम और डिटेल में पढ़ें तो कैपेसिटी का मतलब सीधा सीधी है कि एक तो एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी। अब शादी के लिए एज ऑफ मेजॉरिटी अलग माना गया है, ठीक है, और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग है। साउंड माइंड होना चाहिए एंड ही इज नॉट अदरवाइज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। तो कई बार होते हैं जो फॉरेन एम्बेसडर्स जो है उनको रोका गया कि नहीं तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, जो प्रिजनर्स है उन्हें रोका गया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। सो इस प्रकार से अगर आप डिसक्वालिफाइड हो, अगर आप इनसॉल्वेंट हो, तो यू आर ऑलरेडी डिसक्वालिफाइड। सो आपका कैपेसिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। सो क्वालिफिकेशन पे अगर हम आ जा रहे हैं, सो 18 साल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 18 साल के बिलो को हम माइनर कहते हैं और माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वालिफिकेशन ए एकदम क्लियर है। क्वालिफिकेशन बी जो है पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। साउंड माइंड मतलब ही शुड बी इन सेंसेस सो दैट ही अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पर बहुत बार चर्चा होता है कि सर अल्कोहल के नशे में, अल्कोहल के नशे में हमने साइन कर दिया तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल, ठीक है। सो अल्कोहल के नशे में आजकल तो आप देखोगे मार्टिनीज और क्या क्या पार्टीज में ड्रिंक्स वगैरह चलता ही रहता है, और ड्रिंक्स के बाद आप एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, साइन कर रहे हो, नेक्स्ट डे बोलते हो अरे भैया मैं तो दारू के नशे में था। तो आप जितना भी दारू के नशे में हो बट मोर ऑर लेस उतने नशे में नहीं रहते हो कि आप नहीं समझते हो, आपको इतना पता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, ठीक है। सो तब वो ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब नहीं माना जाएगा, जब आप उसने समझने के भी पोजीशन पे नहीं हो कि यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड दैट, यू नॉट इन द पोजीशन टू इवन अंडरस्टैंड दैट। सो नॉर्मल दो चार ड्रिंक्स डाउन हो, नेक्स्ट डे बोलते हो कि जी आई वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, नहीं जी नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो ये क्लियर कर दे रहा हूं मैं। सो सेंसिबल माना जाएगा, आप अल्कोहल के नशे में तो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के सेंस में हो इतना माना जाएगा। अ ल्यूनेटिक, एन इडियट और अ ड्रंकन पर्सन, बट यहां पर देखो बोल रहा है कि ड्रंकन पर्सन। अब ड्रंकन पर्सन अगेन मैंने आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज के हिसाब से बताया, ठीक है। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट इज नॉट सपोज टू बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, नॉट सपोज टू बी, ठीक है। बट वो ड्रंकन पर्सन भी कितना ड्रंकन है, स्टेटस मेरा ऐसा है कि मेरे को रोका जा रहा है, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, समझ लो मैं अंडरकवर, मैं रॉ एजेंट हूँ, मेरे को बताया गया कि नहीं तुम कॉन्ट्रैक्ट मत कर लेना कहीं पर, तो मेरा स्टेटस ऐसा है कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है। सच पर्सन एज एलियन, एनिमी, फॉरेन सॉमनर्स, कॉन्विक्ट्स एक्सेट्रा, दैट डिसक्वालीफाइड। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाई पर्सन नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड, ऑफकोर्स। सो कंसिडरेशन पे आ जाते हैं। कंसिडरेशन मतलब इस क्विड प्रो क्यो समथिंग इन रिटर्न, मतलब जो दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑफकोर्स तू मेरे को कुछ दे रहा है, मैं तेरे को कुछ दे रहा हूँ। अ वैल्यूबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट ऑफ सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। तो एक को फायदा हो रहा है, दूसरे का कई फोरबेरियंस, डेट्रीमेंट, लॉस हो रहा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी ठीक है, आगे मेरे ख्याल से ये भी एकदम इजी है। किताब बेचना है 100 रुपया, ये आई थिंक दिस इज ओके। नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। इस पे बच्चों को डाउट्स आते हैं कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है। मेरे ख्याल से अब ये एकदम क्लियर हो चुका है कि भाई देश का कानून के हिसाब से काम करना है, देश का कानून को वायलेट करके कर रहे हैं तो वो बस लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन मतलब क्या, एक्सचेंज क्या कर रहे हैं। तो अगर एक्सचेंज जो भी कर रहे हैं वो इलीगल चीज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं तो कंसिडरेशन अनलॉफुल हो गया। और जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, बनाने का मतलब है कि क्या काम क्या करना है,
काम यह है कि भाई बैंक लूटना है, काम यह है कि मर्डर करना है, काम यह है कि ब्राउन शुगर बेचना है, काम यह है कि स्कूल में ड्रग सप्लाई करना है। नहीं नहीं, दीज आर नॉट लॉफुल यार, गलत है ये, देश का कानून अलाउ नहीं करता। देश का कानून अलाउ नहीं करता तो ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लॉफुल। डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। लॉ बनाया जो है, देश का कानून जो बनाया है, वो क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट? कि एक अच्छा समाज का निर्माण करना है, एक अच्छा समाज का निर्माण करना है। अगर उसी को हम डिफीट कर देंगे तो फिर बेकार हो गया सब कुछ। इफ इट इज फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व्स इंजुरी टू द अदर पर्सन। फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या? सीधा झूठ बोलना। एक तरफ हम बात कर रहे हैं प्रॉमिस का, एक तरफ हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं प्रॉमिस का। प्रॉमिस, हम प्रॉमिस को कितना वैल्यू दे रहे हैं। अगर हम रामायण का बात करें तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वचन का कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो एक तरफ प्रॉमिस और एक तरफ फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब ही कि फॉल्स प्रॉमिस, झूठ बोलना, ठीक है। इंजुरी टू अदर पर्सन, प्रॉपर्टी और एनी अदर, कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा का पूरा कानून व्यवस्था जो बना है वो एक अच्छे समाज का निर्माण के लिए करते हैं हम लोग। भगवान राम ने सीता जी को त्याग दिया फॉर अ गुड सोसाइटी। देयर वाज अ टाइम 10-20 years ago, 15 years ago जहां एक इंडिपेंडेंट वेमेन को घर भी नहीं मिलता था। आज भी थोड़ा सा डिफिकल्टी है, क्योंकि वेमेन को हमेशा इस तरीके से सोसाइटी में रखा गया कि वेमेन इज अंडर अ मैन, ठीक है। सो वर्किंग वेमेन ट्राइंग टू रेंट हर ओन अपार्टमेंट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर हर, बट नाउ टाइम्स आर चेंजिंग। वेमेन आर वर्किंग, वेमेन आर रेंटिंग द अपार्टमेंट इन देयर ओन नेम्स, वेमेन आर बाइंग द प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम्स। सो थिंग्स आर चेंजिंग, बट अब वो रामायण वाला काल नहीं रह गया, अरे तू रात को कहाँ थी, ठीक है, अब ऐसा बात नहीं है। एंड थैंकफुली ये जो अधिकार है कि भाई आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू वर्क एंड आई वॉन्ट टू लिव द वे आई वॉन्ट टू लिव, सो इट इज़ पॉसिबल टूडे। सो कहने का मतलब ये है कि वो जो एक माइंडसेट था, वो कितना हम लोग आगे बढ़ गए उस माइंडसेट से। और 50% अगर मेल है, 50% फीमेल है, तो फीमेल पावर को जो हम लोग मिस यूटिलाइज कर रहे थे, अब वो मिस यूटिलाइजेशन काफ़ी 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 हद तक कम हो गया है। फीमेल का काम सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे की माँ बनना नहीं रह गया है। एंड दैट इज़ वेयर फीमेल्स हैव डिस्कवर्ड देयर पावर। फीमेल्स आर कमिंग आउट इन द ओपन, फीमेल्स नो देयर पावर। वो करके दिखा रही हैं कि यस, जो आप अपने मेल सोसाइटी में करना चाहते हो भी, हम भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सो थिंग्स आर चेंजिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस चेंज। बट मैं साथ साथ ये भी बोलना चाहता हूँ कि फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी, ये अपना अपना एक जोन है, और दोनों को एक दूसरे के जोन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। भगवान ने मेल्स के अंदर भी फेमिनिन क्वालिटीज दी है, फेमिनिन या फीमेल्स के अंदर भी मैस्कुलिन क्वालिटीज दी गई है। इट इज़ द बैलेंस। कोई भी एक भी इंसान जो पैदा हो रहा है वो मेल एंड फीमेल के बैलेंस के साथ पैदा हो रहा है। सो लेट्स रिस्पेक्ट द बैलेंस, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर, तो लाइफ बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा ईजी लगेगा। सो आई थिंक कि आज हम यहीं रोकते हैं इस बैलेंस के साथ। I love you all. Take care. Bye-bye. Well, dear friends, if you are watching the lectures and you really like it so much, you can buy the full package. And what do you get in the full package? In the full package, you get support of Bajrang Agarwal. Yes, one-on-one personal support. You can call me, you can talk to me, you can discuss with me. And yes, I'll check your answers. Why? देखो, आपको जो समझ में आ रहा है, वो बड़ी अच्छी बात है। आपको इंटरेस्टिंग लग रहा, बहुत अच्छी बात है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम बात करते करते भी अपने दोस्तों से, मित्रों से झगड़ा कर बैठते और फिर बोलते नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, कहने का ये मतलब नहीं था। और ऐसा ही तो होता है। आप समझ गए हो, आंसर जब लिख कर आते हो तो नंबर कट जाता है, फिर आप चेक करते हो तो बोलो ओहो मेरा ये मतलब तो नहीं था। सो आपका ये मतलब नहीं था के चक्कर में 6 महीने का नुकसान हो सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज बाय द फुल पैकेज।
The full package will give you full videos and absolute one-on-one personal support. मेरा support आपको मिलेगा, मेरे से आप academics, non-academics, personal, professional, मन की सारे बातें को clear करिएगा. So this is what it is. हम 100% lectures YouTube में upload नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोशिश है आप तक पहुंचने का. Step number one में हम दिखा रहे हैं कि भाई हम किस प्रकार से धीरे धीरे पढ़ाते हैं. Step number one में हम धीरे धीरे जब पढ़ाते हैं तो हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, राइट? सो व्हाट द आइडिया इज, वी वांट टू लिफ्ट अप द स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट्स 60-70% वाले लेवल पे है, वी वांट टू लिफ्ट देम, ब्रिंग अप टू 90-95% लेवल. सो वी वर्क वेरी वेरी हार्ड. ओके, इन द सेकेंड लेवल, जो रिविजनरी लेवल है, इन दैट लेवल वी द सेम लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड विथ 80% इंग्लिश. इट इज एट अ लिटिल हायर पेस. So the students who are very intelligent, who think I don't need to go at such a slow pace, you can ask for direct phase 2. So phase 1 is slow pace, phase 2 is fast pace, phase 2 is with English, 80% English, 20% Hindi, and yes, it is at high speed, and both the phases you get my personal support. So here we are. Thank you so much. I love you all. Bye bye. Take care. And yes, if you want, you can definitely approach for a free trial. कॉल द नंबर आपके स्क्रीन पर है, इस नंबर पे कॉल करिए, फ्री ट्रायल लीजिए. और अगर बाय चांस आपको लग रहा है कि हमारा फी थोड़ा सा ज्यादा है, देखो जनरली तो हमने मार्केट स्टडी किया है, मार्केट से 30-40% ही चार्ज कर रहे हैं हम. उसके बाद भी हम मैक्सिमम लोगों को रीच करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, वी वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ मी. सो अगर ऐसा है कि थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी लेवल से हम ऊपर हो जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम नीचे आ जाएंगे. आप कंसेशन फॉर्म फिलअप करिए, कंसेशन फॉर्म के साथ व्हाट इज द रीजन, प्रोवाइड द वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड आर टीम विल स्क्रीन. और अगर कहीं कुछ उनको डाउट होगा तो मैं पर्सनली स्क्रीन करूंगा और आपको सपोर्ट करूंगा. सो टीम के साथ बात करिए, और उसके बाद भी अगर आपका बात ना बने तो मेरे साथ भी बात करने का डिमांड करिएगा कि मेरे को एक बार सर से बात करना है. और मेरे टीम बहुत एफिशिएंट है, उन्हें ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी मेरे तक पहुंचना चाहता है उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाया जाए. मगर मैं माफी भी चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करते रहता हूं तो कभी कभी टाइम पर अगर नहीं पहुंच पाऊं तो माफ कर दीजिएगा. ऐसा मत सोचिएगा कि अरे सर तो बात ही नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, टाटा बाय बाय.
Thank you.